नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे BDS के बारे में, BDS कोर्स क्या होता है, BDS कोर्स करने के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी जाती है, BDS कोर्स करने के क्या क्या फायदे हैं, BDS कोर्स का वर्किंग एरिया, BDS कोर्स करने के बाद अनुमानित सैलरी, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, यह जानकारी बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं BDS आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, BDS का पूरा नाम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। BDS डेंटल डॉक्टर की एक स्नातक डिग्री होती है। BDS भारत में पाई जाने वाली बैचलर डिग्री में से एक है। BDS कोर्स को करने के बाद आप डेंटल डॉक्टर बन क्लिनिक ओपन भी कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी जाती है। तो दोस्तों, जिन छात्रों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ विज्ञान की धारा में 12वीं परीक्षण उत्तीर्ण किया है, केवल वही इस कोर्स के लिए पात्र होते हैं। इन छात्रों को BDS प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना और उसे क्लियर करना होता है, जो राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। यह सभी राज्यों में अलग अलग होता है। यह परीक्षा विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है, जो BDS कोर्स को पेशकश करता है। अब इसे आसान भाषा में कहें तो BDS कोर्स करने के लिए इच्छुक विद्यार्थी 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अब आइए जानते हैं BDS करने के बाद आगे का फ्यूचर क्या होता है, या फिर BDS करने के बाद आगे क्या होता है। दोस्तों, यह एक आइडियल करियर ओरिएंटेड कोर्स होता है। BDS की डिग्री की सफलता प्राप्त करने के बाद छात्र किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट डेंटल क्लिनिक में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकता है और एक्सपीरियंस भी ले सकता है। वह अनुभव प्राप्त करने के बाद डेंटल क्लिनिक भी चला सकता है। एक क्वालिफाइड सर्जन राज्य या फिर केंद्र सरकार के अस्पतालों में डेंटिस्ट का भी काम प्राप्त कर सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी BDS के लिए विभिन्न करियर विकल्प उपलब्ध है, यानी कि आप मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जा सकते हैं। भारतीय सेना भी सेना अस्पतालों में डेंटिस्ट की भर्ती करता है। उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर BDS डिग्री धारक मास्टर की डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप BDS कोर्स करने के बाद इसी में मास्टर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, किसी भी कोर्स को करने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि इस कोर्स को करने के बाद हमारे लिए कौन कौन से रोजगार उपलब्ध होंगे, या फिर हम कौन कौन से क्राइटेरिया में काम कर सकेंगे। तो चलिए वो भी जानते हैं कि BDS के बाद रोजगार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है हॉस्पिटल, दूसरा है डेंटल क्लिनिक्स, तीसरा है प्राइवेट प्रैक्टिस, चौथा है रिसर्च इंस्टीट्यूट, पांचवा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, छठवा है फार्मास्यूटिकल कंपनी, सातवा है डेंटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आठवा है डेंटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों, BDS करने के बाद आप इन सब क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपके लिए इन सब क्षेत्र में रोजगार के काफी मौके होते हैं। तो ये तो थी BDS के बाद रोजगार क्षेत्र और जॉब क्राइटेरिया। अब चलिए जानते हैं BDS के बाद जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि आप कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। तो इसमें पहला आता है प्रोफेसर, दूसरा है कंसल्टेंट, तीसरा है डेंटल सर्जन, चौथा है डेंटल हाइजीनिस्ट, पांचवा है डेंटल असिस्टेंट, छठवा है ओरल पैथोलॉजिस्ट, सातवा है प्राइवेट प्रैक्टिस, आठवा है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और नौवा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। BDS करने के बाद आपको ये सभी जॉब प्रोफाइलें मिलती है। आप अपने क्षेत्र और कार्य अनुभव के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में जा सकते हैं और अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अब यदि बात करें BDS कोर्स करने के बाद आपके जॉब प्रोफाइल के अनुसार सैलरी की, तो दोस्तों यह सभी जगह अलग अलग होता है। इसमें अनुमानित सैलरी 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक से शुरू होती है। लास्ट मिलने वाली सैलरी की तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह कार्य अनुभव एवं जगह के हिसाब से निर्धारित रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस BDS कोर्स की जानकारी अच्छी लगी हो। आगे आप कौन से कोर्स पर वीडियो देखना चाहेंगे, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है यह भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया हो, क्योंकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर समय पर मिलते रहे। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।